देखो सर, हमने एसटीसी अभी वाले सत्र से 2022 से ही की, और इस 2022 में हम वैसे पास हुए, लेकिन हमारे क्या है कि रिज़ल्ट आया 19 जनवरी को, उस रिज़ल्ट में एक सब्जेक्ट बेक रह गई। तो फिर हमने बीकानेर जाके कम से कम 900 लड़के थे जिनको बेक दे दी थी, और बहुत जगह बहुत कॉलेज को तो ऐसे थे कि जिसमें कॉलेज में 50 लड़के हो उसमें से 30-35 जनों को बेक दे दी। उसके बाद में हम वहाँ पे बीकानेर गए, वहाँ पे धरना दिया और बोला कि जो विज्ञप्ति रीट अभी चल रही है उसमें विज्ञप्ति में लिखा है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक जो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं करोगे तो आपको बाहर कर देंगे। फिर हम वहाँ पे गए, 1500 जितने भी थे हम वहाँ पे गए और वहाँ पे धरना दिया, तो उन्होंने ऐसे बोला कि आपका जल्द से जल्द एग्ज़ाम करवाएंगे और एग्ज़ाम से पहले आपका रिज़ल्ट दे देंगे। तो उन्होंने एग्ज़ाम से पहले रिज़ल्ट भी दे दिया, लेकिन इस रीट भर्ती में विज्ञप्ति में ये लिखा हुआ है कि आवेदन तिथि तक आपका शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। सर देखिए, मेरे पास ये अधीनस्थ बोर्ड कार्यालय जयपुर का ही ये फॉर्मेट है और इन्होंने दिशा निर्देश दे रखे हैं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आपको शैक्षणिक योग्यता जो है वो एग्ज़ाम से पहले तक आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। दूसरा ये कि जो भी विज्ञप्ति निकालते हैं उसमें कार्मिक विभाग का ये मैटर ही डालते हैं, उसमें कार्मिक विभाग में जो नियम होते हैं वही मैटर देते हैं। कार्मिक विभाग के मैटर में इस फॉर्मेट में भी लिख रखा है, स्पष्ट लिख रखा है ये कि आपको शैक्षणिक योग्यता में कि जहाँ तक आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम से डेट से एक दिन पहले आपको पास होना ज़रूरी है और आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि आप एक दिन पहले पास हो गए। इसके अलावा मेरे पास और भी है, जैसे पंचायती राज अधीनस्थ सेवा नियम, इसी सेवा नियम के आधार पर शिक्षक भर्ती की जाती है। जो शिक्षक सेवा नियमावली है उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन नियमों के अनुसार आप विज्ञप्ति जारी करोगे और इसी के अनुसार आपको उसमें लिखना है कि ये सेवा नियम उसमें सम्मिलित किए गए हैं। फिर भी अधीनस्थ बोर्ड ने ये पॉइंट पूरा लिखा नहीं है शैक्षणिक योग्यता का। और देखिए सर, मेरे पास एक और है, पकड़ दो। मेरा नाम कमलेश बुनकर है और मैं चित्तौड़ से हूँ। ये आरपीसी ने मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सर हमें भी शामिल कीजिए। सर हमने इतनी मेहनत की, लगभग पिछले 4-5 साल से सर हम मेहनत कर रहे हैं, घर वालों को सर उम्मीदों पे मतलब सर हम खड़े उतरे लेकिन हमें शामिल नहीं कर रहे हैं। मैं सबसे मतलब अध्यक्ष जी से, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर हमें शामिल कर लिए, प्लीज़ शामिल कीजिए सर। हम बेग की वजह से हमारे साथ वालों को सबको सर शामिल कर रहे हैं लेकिन हमें शामिल नहीं करे सर। 11 जनवरी को तो हमारा रिजल्ट आ गया था लेकिन पंजीकृत विभाग बीकानेर की गड़बड़ी की वजह से सर हम एक सब्जेक्ट में पूर्व हो गया सर, लेकिन सर हमें शामिल कीजिए सर प्लीज़। सर मेरा नाम इशाक शाह है, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ सर।